कई बड़ा बम बने भी करने का मतलब है कि मोदी सरकार देश के लिए जन धन खाता हम कैसे जाने मोदी मतलब आपके खाते में पैसा नहीं है एको नहीं आया कि भेदभाव होता है जहां डबल इंजन है अलग व्यवस्था है जहां सिंगल इंजन है अलग व्यवस्था है। 20 तारीख हो गया 25 तारीख को वोटिंग होना है यानी इसी संडे को वोटिंग होना है। कुल मिला के गिनती से एक सप्ताह बचे हुए हैं 6 दिन और आज इस जानने के लिए आए इस बाज़ार में क्योंकि इस संडे बाज़ार में यहाँ कई ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं। हालांकि ये DVC कॉलोनी के अंदर बसे हुए बाज़ार है लेकिन यहाँ ग्रामीण लोग की बाज़ार में आते हैं, सब्जी बेचने के लिए भी आते हैं, सब्जी खरीदने के लिए भी लोग आते हैं। तो ये स्थितियाँ जानने के लिए हैं कि ग्रामीण में क्या रोष है, क्या चुनाव के लेकर सरगर्मी है, किसे वोट देने की उम्मीद बनाए हुए हैं, किसे पसंद करेंगे इस बार, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ये गांव के ग्रामीण लोगों के काफ़ी निर्णायक वोट होता है। आज जानेंगे ग्रामीण लोगों से कि क्या स्थिति है। आपके यहाँ अभी पता है कि चुनाव हो रहा है लोकसभा का अभी लोकसभा हाँ तो 25 तारीख को यहाँ वोटिंग है, कैसा प्रत्याशी चाहिए? वो तो नहीं बता सकते हैं नहीं, किस टाइप का शिक्षा विकास क्या हुआ है बताए, वो मतदान है मतदान है वो उषा सिंह का। एक दिन हम लोग देखे कि गाड़ी पर प्रचार करते हुए जा रहा था, विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और जनता को शायद ये भी बताना चाहिए कैंडिडेट को कि हमारा जो सांसद महोदय है विकास में कितना सहयोग कर सकते हैं। क्या आम आदमी को ये पता है कि विकास का ज़्यादा हिस्सा जो है राज्य सरकार के हिस्से में है या केंद्र सरकार के हिस्से में है या केंद्र सरकार से कितना लड़के ले लाता है, ये सब समस्या जनता को भी पता नहीं है। उन लोगों ने बताया, आप जनता आप शिक्षक हैं, आप ही इसकी खुलासा कर दीजिए। हमने चैनल के माध्यम से लोगों को और भी जानकारी मिलेंगे कि राज्य सरकार के क्या उद्देश्य है, केंद्र सरकार के क्या उद्देश्य है। विकास का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो राज्य सरकार के हिस्से में आता है और केंद्र सरकार के हिस्से में मैंने बजट कितना लाता है राज्य सरकार वो राज्य सरकार के ही अति में है। और ये भी मैंने लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, बहुत हद तक आरोप सही भी है कि भेदभाव होता है जहां डबल इंजन है अलग व्यवस्था है, जहां सिंगल इंजन है अलग व्यवस्था है। कहने का मतलब है कि मोदी सरकार देश के लिए और अभी जो चुनाव जो हो रहा है देश का मतलब कुर्सी बचाने के लिए है कि ये जो है सो कौन बनेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसलिए और बिजली पानी सड़क की व्यवस्था हो रहा है पहले से बेहतर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रदेव महतो हुआ। वो तो मोदी सरकार का भाषण दे दिया कि जन धन खाता हमको सही है लेकिन हमको अभी तक इतना दिन हुआ कि एको पैसे नहीं मिला। जन धन खाता हम कैसे जाने मोदी मतलब आपके खाते में पैसा नहीं है? एको नहीं आया तो खाता चेक कर लो मोदी सरकार चाहे जो करना है कर। तो क्या लग रहा है तो आप खुल के जरा बताएं। हम चाह रहे कि जो मोदिया को है मोदी ठीक है लेकिन मोदी का जो चमचा पैसा भेजने वाला है तो वो तो छांट के भेजता है। गरीब आदमी को तो पैसा देता नहीं, वो तो जो एक जरा चलाक आदमी है उसका पैसा भेज देता है, जो चलाक नहीं उसका पैसा देके नहीं करता। ये तो हम लोग कैसे किसका काम एक किसका है? वो मोदी का जो पैसा भेजने वाला चमचा बेचक है डायरेक्ट तो मोदी भेजता नहीं होगा, उसका तो होगा तो उसका चलाए देश को अच्छा से चलाया क्या है? रोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिले और क्या चाहेगा आदमी? महंगाई इतना बढ़ रहा है, महंगाई थोड़ा घट जाए यही चाहेंगे और क्या चाहेंगे? हमको मोदी सरकार चाहिए कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? देवंशी देवी। मोदी जी अच्छा काम किया है, गैस शौचालय दिया है, घर द्वार दिया है, पानी का सुविधा दिया है, पहले तो कुछ नहीं लाइन नहीं सर्वे कुछ थोड़ा मोड़ा देवे किया, और भी जीतेगा तो करवे करेगा। हाथ में आमदनी भी तो बढ़ा है, सिर्फ महंगाई महंगाई बोल रहा है। जो हम लोग 5 पैसा में जो सामान लेते थे अभी 10 रुपया में वो सामान मिल रहा है, 20 रुपया में आमदनी भी बढ़ाना, महंगाई बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ाया है। तो कुल मिला के कि देख रहे कि महंगाई के बहुत मायने नहीं, महंगाई के साथ आमदनी बढ़ा है। खैर अब देखना है कि 25 तारीख को वोटिंग के बाद 4 तारीख को चुनाव होगी, गिनती होगी, गिनती के बाद से किसकी फतेह होती है ये तो वक्त बताएगी। फिलहाल बेरमो से मनोज कुमार 22 को।